और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहने को तो आम लोगों के लिए ही बीते 8 दिनों से धरने पर हैं, लेकिन धरने का खामियाजा भी आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। आलम यह है कि उपराज्यपाल निवास के करीब अरुणा आसफ अली अस्पताल में पहुंचने के लिए मरीजों को लंबा चक्कर काटकर आना पड़ रहा है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पिछले सोमवार से उपराज्यपाल निवास पर धरने पर है, लिहाजा सभी रास्ते उपराज्यपाल निवास के जो जाने वाले हैं उन सबको बंद कर दिया गया और उसका खामियाजा उपराज्यपाल निवास के करीब जो आसफ अली अस्पताल है वहाँ जाने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत सारे मरीज हैं जो कि यहाँ पहुँचते हैं और वो वापस जा रहे हैं। भाव जी आपको कहाँ जाना था? हॉस्पिटल। अच्छा, फिर यहाँ क्या हो गया? यहाँ जाना जी जाने नहीं दे रहे, पता नहीं क्या है यहाँ। 5 दिन से बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं खाना लेके आता जाता हूँ, मना कर देते आने जाने के लिए। 5 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है बच्चा मेरा। अच्छा। सुबह शाम आता हूँ तो मना कर देते हैं। मेरे को 2 चक्कर लगाना पड़ता है कम से कम 3-5 किलोमीटर का। अब पैदल आ रहा हूँ, जा रहा हूँ सुबह शाम। मुख्यमंत्री यहाँ धरने पर बैठे हैं। भैया मुख्यमंत्री किस काम का? जो हमारा बच्चा हॉस्पिटल में, हमारा बीवी हॉस्पिटल में, मैं चक्कर काट रहा हूँ रोड पे, बहुत घूमना पड़ रहा है। 5-6 किलोमीटर दौड़ के आ रहा हूँ, वहाँ पे भी मना कर दिया, यहाँ पे भी मना कर दिया। बताओ मैं क्या करूँ? तो मेरे दिल पे क्या बीत रहा हो तो मैं जान रहा हूँ। कहाँ का सुविधा? 6 दिन हो गया अभी कुछ पता नहीं। कहाँ से आते हैं आप? मैं गजूरी से आ रहा हूँ। अब वहाँ पे उतार दिया मेट्रो पे, मेट्रो से मैं पैदल आ रहा हूँ क्योंकि कोई सुविधा नहीं है। आधा घंटे एक घंटा मेरे में ऐसे बर्बाद हो रहे, बच्चे भूखे रह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या लग रहा है, सही हो रहा है ये सब? मुख्यमंत्री धरना दे रहे हैं और आप लोगों के लिए रास्ता ही बंद हो गया? हम तो परेशानी में आए, समझे हमें तो घाटों में बहुत दर्द है, मैं चला नहीं जाता। एक कम अस्से साल की उम्र आ गई हमारी, हम तो बहुत दर्द। ये इधर से रास्ता जा रहा है, बहुत दूर पड़ रहा है, इधर से चक्कर काट के आ रहे हैं। चक्कर काट भैया, ये तो बता दो, इधर से भी मना कर रहे हैं। बताओ कहाँ जाएं? कहाँ से पैदल आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं बस अड्डे से। अच्छा जी, बस अड्डे से पैदल चले आ रहे हैं जी। हाँ आप बीमार हैं? हाँ जी, 8 के मरीज हैं, चला नहीं जा रहा रिक्शा। रिक्शा को मिलने गई क्या होगी? यहाँ केजरीवाल जी बैठे हैं। अच्छा, धरने में बैठे हैं तो सबको हम मरेंगे क्या? 3 दिन हॉस्पिटल से वापस आ रहे हैं, देखो ये करते हैं, देखो मना कर रहे हैं। ये देखो, ये कल तक यहाँ नंबर भी नहीं आएगा इसमें, अभी पर्ची भी नहीं, सुबह से लेन में लगे हैं। अब ये इधर से जाने भी नहीं दे रहे, ये यहाँ से नहीं जाने दे रहे। अच्छा, यहाँ पे मिल जाएगा उम्मीद है? यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर हिंदुराव में जाएंगे। अच्छा, मतलब दौड़े जा रहे हैं, क्या करें, इसमें भी पैदल घुमा रहा है। नहीं, यहाँ से कम से कम जाने दें, यहाँ से जाने में क्या हो रहा है, पैदल से जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हैं हम लोग? जरा भी ऐसे जाना पड़ेगा फिर। अब आगे और लंबा रास्ता जाओ और घूम के आओ, पहले इतना घूम के आए, अब और घूम के जाओ। आ रहे हैं वहाँ से बस अड्डे से। बस अड्डे से? हाँ। अच्छा, ये ज्यादा अब चलना पड़ेगा? हाँ ज्यादा तो चलना पड़ेगा मेरे को। बच्चा बीमार है? हाँ बुखार हो रहा है, आज 1 महीने से ये बीमार है। अच्छा, मतलब ये अगर खुला होता तो सामने ही अस्पताल था? हाँ सामने था, इधर से फिर भी दूर पड़ रहा था, उधर से हम लोग आ रहे थे उस साइड से। हाँ। तो वहाँ से भी बंद है, मना कर दे उधर से जाओ, तब फिर इधर आ रही हूँ चल के। अच्छा। हाँ। तो मुख्यमंत्री धरना दे रहे हैं यहाँ पर, आपको पता है? नहीं मेरे को तो नहीं पता। अच्छा, बच्चा बीमार है तो सही बात है, क्या मतलब, वही सही बात है। ठीक है, ये इधर से रास्ता आपका। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इस तरह के सैकड़ों मरीज पिछले 1 हफ्ते में यहाँ पहुँचे हैं और आसफ अली अस्पताल, जहाँ पर कि रोजाना हजारों मरीजों का आना होता है, और वो यहाँ पहुँचते हैं क्योंकि रास्ता जो है बस अड्डे से थोड़ी दूर पर, अगर अंदर अंदर जाया जाए तो कम ही दूरी पर लोग पैदल चलकर अस्पताल पहुँचते थे, लेकिन वो रास्ता बंद होने की वजह से सभी मरीजों को घूम कर जाना पड़ रहा है। और जैसा कि हमने आपको दिखाया कि कई मरीज ऐसे हैं, कई मरीज के परिजन ऐसे हैं क्योंकि कई कई किलोमीटर घूम कर अस्पताल पहुँच रहे हैं। हालाँकि अगर दिल्ली की बात है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ धरना पर थे, वो बीमार पड़े तो एम्बुलेंस आई, उन्हें तुरंत LNDB अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जो गरीब मजबूर मरीज हैं जो सरकारी अस्पताल की शरण में आ रहे हैं उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा, मजबूरी में वो सड़क पर धक्के खाने को मजबूर हैं। अलग अलग जगहों पर बैरिकेटिंग की गई है और बैरिकेटिंग के टक्कर से गुजरते गुजरते ही उनका पूरा दिन गुजर जा रहा है और अस्पताल में नंबर तक नहीं आ रहा। राज्य निवास से कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।